नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन हम बात करेंगे विकास लाइफ शेयर के बारे में, जो अभी इसकी करंट प्राइस की भी बात कर ले, लगभग आपको पता है करंट प्राइस 5.30 रुपये देखने को मिलती है। जैसे कल के दिन मैंने बताया था दोस्तों आपके आज से स्टॉक निकलने वाला है, और अगले उसके दिन मैं हर रोज़ वीडियो बना के बोल रहा हूँ आपके हाथों से स्टॉक निकलने वाला है। डेफिनेटली दोस्तों कुछ लोगों ने हाई प्राइस पर भी बाय करी है, क्योंकि आपको पता है इसका शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो सकता है। तो अभी हम इस तीन चार मिनट की वीडियो के अंदर पूरी जानेंगे कि यार टारगेट रहने वाला है, अगला टारगेट क्या रहेगा शॉर्ट टाइम के लिए, क्या अभी 7 रुपये को प्लस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, स्टॉक में 7 रुपये प्लस जल्दी, बहुत जल्दी देखने को मिलता है, जो करीबन एक मंथ के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा। जो करीबन आज की बात करें तेज़ी की, तो लगभग 0.95% के आसपास, यानी करीबन 1% के आसपास स्टॉक ने रिटर्न दिया है। जो करीबन बात करें तेज़ी की, तो लगभग 0.5 पैसे की तेज़ी देखने को मिलती है। और एक टाइम स्टॉक आपको पता है तेज़ी ऊपर ऊपर की ओर चल के, मतलब स्टार्टिंग किया जब मार्केट ओपन हुआ, जब स्टॉक ओपन हुआ जब करीबन 5.40 रुपये के आसपास ओपन होता है, ठीक है। तो उसके बाद में बात करें हम कि हाई कितना जाता है और लो कितना गिरता है। अभी हाई 45 है, लो 20 है इसका, ठीक है। तो अभी आपको पता है स्टॉक की करंट प्राइस 20 के अंदर देखने को मिल रही है। स्टॉक आपको पता है काफ़ी दिन से 5 रुपये के आसपास घूम रहा है, 4.90 रुपये से लेके 5.10 रुपये के अंदर अंदर ओनली 20 पैसे के अंदर ट्रेड कर रहा है। एक मंथ से भी ज़्यादा हो गया। जैसे 5 दिन की भी बात करें स्टॉक 6% रिटर्न ऑलमोस्ट दे चुका। अभी मंथली की भी बात करें, लगभग आपको पता है मंथली में 2% की अभी भी गिरावट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इस स्टॉक के मैं बता दूँ शॉर्ट टाइम टारगेट बता दूँ इसका, एक मंथ के अंदर अंदर आपको पता है ये 7 रुपये प्लस करने वाला है बहुत जल्दी। तो स्टॉक को डेफिनेटली दोस्तों नज़रों में रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है आने वाले फ्यूचर में ये स्टॉक अभी ना के बराबर रिटर्न देखने को मिल जाता है। जो स्टॉक आपको पता है लगातार गिरावट भी होगी क्या, ऐसा नहीं होता। एनी टाइम स्टॉक में गिरावट भी नहीं होती, कुछ टाइम के लिए होती है, ठीक है। तो उस टाइम जब आप लोग क्या करते हो, उस टाइम एग्जिट करते हो जब स्टॉक ने रिटर्न देना स्टार्ट करते हो, या उस टाइम एग्जिट करते हो जहाँ स्टॉक ने बाइंग करते हो, जहाँ स्टॉक ऑलमोस्ट पूरा 100% रिटर्न दे चुका होता है, ठीक है। तो उस टाइम बाई करके आप लोग चलते हो। तो ऐसे बहुत कम होते हैं जो आप लोगों को बताया 100% रिटर्न दे दे। आप लोगों को बता दूं अगर स्टॉक में 30-40% रिटर्न मिल जाए ना, तो स्टॉक को बस एग्जिट कर लो और अपना कैपिटल अमाउंट सेव करो, ठीक है। उसके बाद में ये क्वांटिटी आप लोगों के फ्री हो जाएगी, उसके बाद में आप लोगों को कोई टेंशन नहीं रहने वाला, ठीक है। गिरे उठे कुछ भी करे आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हो। जैसे साल भर आप लोग इसे होल्ड करते हो तो आराम से 15-20 रुपये देखने को मिल सकता है, ठीक है। स्टॉक डेफिनेटली दोस्तों अच्छा है, आपको पता है अभी पिछले भी 6 मंथ की भी बात कर ले, लगभग आपको पता है स्टॉक ने ना बराबर रिटर्न दिया है 6% के ओनली, फॉर ये कोई बड़ा रिटर्न नहीं है, ठीक है। अब जैसे पुराने इन्वेस्टर हो गए, आपको पता है जैसे पुराने इन्वेस्टर हो गए तो उनका अभी भी 62% प्रॉफिट देखने को मिलता है, जो करीबन एक साल के अंदर इस स्टॉक ने निकाल के दिया, ठीक है। एक टाइम इसके अंदर इतनी अच्छी तेज़ी आई, स्टॉक अचानक ऊपर उठा और रोज़ अपर सर्किट में देखने को मिलता था, उसके बावजूद इसका RSI लेवल पूरा स्टॉक ऊपर जा गिरा था। उसके बाद में Q4 का रिजल्ट थोड़ा ख़राब आने की वजह से इसका सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा देखने को मिल गया, लोगों ने क्वांटिटियाँ सेल कर दी, ठीक है। तो उसके बाद Q1 का रिजल्ट ठीक ठाक आया, तो इसलिए थोड़ा इसमें अभी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो बाइंग सेलिंग देखने को अच्छी, आज के दिन बाइंग भी अच्छी देखने को मिल जाती थी, ठीक है। तो अभी 5 वर्ष की भी बात करें तो लगभग 5 वर्ष में भी आपको पता है 99% रिटर्न दिया स्टॉक ने, और अभी मैक्सिमम की भी बात करें लगभग वही 100% के आसपास रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो स्टॉक दोस्तों अच्छा है, नज़रों में रख सकते हो। बाकी देखो दोस्तों 20-30% अमाउंट आपका कहीं भी लग सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे स्टॉक में लगाइए जो अभी तक कोई रिटर्न अच्छा देखने को नहीं दिखाता है, ठीक है। तो विकास लाइफ केयर के बारे में ज़रूर एनालाइज करिए, आप जब खुद करोगे जब आपको अंदाज़ा लगेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना।